दो प्यासे कौवे। गर्मी का दिन था, एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। लगातार उड़ने के कारण वो बहुत थक गया था। गर्मी के कारण उसकी प्यास तेज हो गई। वो धीरे धीरे धैर्य खोता जा रहा था। उसने सोचा कि उस दिन वह मर जाएगा, लेकिन वह फिर उड़ने लगा। वो अपने घर से बहुत दूर चल गया था। उसने देखा कि एक और कौवा एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। क्या हुआ भाई, उदास क्यों हो? मुझे लगता है कि पानी की कमी के कारण मैं फिर से उड़ान नहीं भर पाऊंगा। मेरे पंखों में कोई ताकत नहीं बची है। मैंने पानी की तलाश में कड़ी मेहनत की, लेकिन अब मैंने सारी उम्मीदें खो दी है। उम्मीद मत खोना मेरे दोस्त, हम निश्चय रूप से समाधान निकालेंगे। हमें दृढ़ रहना चाहिए, देखभाल करना। मैं कहीं और पानी ढूंढ लूंगा। कौवा और दूर उड़ गया। उसने कोने में एक बर्तन देखा। वो पानी मिलने की उम्मीद में बर्तन के पास गया। उसने अंदर झांका। मटके में पानी था, लेकिन वह बर्तन के नीचे था। कौवा अपनी चोंच को इतनी दूर तक डुबा नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि अगर उसने घड़ा झुका दिया तो पानी गिर सकता है या घड़ा टूट सकता है और उसे पानी नहीं मिलेगा। इससे उसे मदद नहीं मिलेगी। वो नहीं जानता था कि अपनी प्यास बुझाने के लिए बर्तन में पानी कैसे पहुंचाया जाए। वो एक विकल्प के बारे में सोचने लगा। उसने देखा कि घड़े के पास कंकड़ पड़े थे। उसे एक विचार आया। वो अपनी चोंच से कंकड़ घड़े में डालने लगा। कौवा थकान और प्यास से परेशान था, फिर भी वह घड़े में कंकड़ गिराता रहा। कुछ देर बाद पानी का स्तर बढ़ा। कौवा अब पानी पी सकता था। उनकी मेहनत रंग लाए। पानी पीकर बहुत संतुष्ट हो गया। उस समय उसे अपने मित्र की याद आई, जो प्यास से मर रहा था। वो वापस उस पेड़ के पास गया, जहाँ उसने उसे आखिरी बार देखा था। पेड़ के नीचे पड़ा कौवा बेहोश था। कौवे ने अपनी चोंच में रखे पानी को दूसरे कौवे पर छिड़क दिया। कौवे को होश आया। उसने उसे बताया कि उसे पानी मिल गया है। वे धीरे धीरे उड़कर उस स्थान पर चले गए, जहाँ घड़ा था। दूसरे कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। धन्यवाद मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। प्यास के कारण मैं दयनीय स्थिति में था। कल से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम जानवर हमेशा एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जरूरत के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, कहानी का नैतिक क्या है? कहानी का नैतिक ये है कि हमें कठिन समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर एंड मोर न्यू स्टोरीज। थैंक यू।